बाबा की भाष है, पावर ऑफ सत्ताश है। ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने अंतिम समय का दृश्य क्या होगा उसके विषय में स्पष्टीकरण किया है। बाबा कहे, अंतिम समय मेजॉरिटी आत्माएं घर जाएंगी, बाकी कुछ आत्माएं बचेंगी जो सफाई करेगी और नई दुनिया की तैयारी करेगी। फिर कहा जाता है, जहां जीत वहां जन्म। तो बाबा कहे, जीत तो भारत की है, बाकी सब तो खलास हो जाएंगे। तो फिर कुछ राजाएं, धनवान आदि बचेंगे जिनके पास कुछ आत्माएं जन्म लेंगी और जहां से नई दुनिया आरंभ होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमसे एक ही मदद चाहिए, पवित्रता की। कुछ भी हो जाए, तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, चाहे उसके लिए कुछ सहन भी करना पड़े तो भी बाबा कहे पवित्र जरूर बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। उत्तर है, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता है, राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। कुछ आत्माएं सफाई करने के लिए और कुछ आत्माएं नई दुनिया की तैयारी करने के लिए बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहां जीत वहां जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे, यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, गीत में कहते हैं, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। अपने को आपे ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ, गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वह बाप है, प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं, निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तुम कहते हो, परम पिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है? बाबा कहे, तुम कहते हो परम पिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य यह तो आपे ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं।
और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं। जब रास्ता नहीं बता सकते तो बाबा कहे तो उनको गुरु कैसे कह सकते। ड्रामा में उनका पार्ट है, साधु सन्यासी महात्माओं का भी पार्ट है। क्या पार्ट है? भारत को पवित्रता पर थमाना है। बल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। वो कोई ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते, दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते वा स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहे। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहां भी बाप से बल मिलता है। ऐसे बाल ब्रह्मचारी युगलों को बाप से बल मिलता है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। बाबा कहे सतयुग में देवी देवता वाले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य यह नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठ उनको उन्हों को ताकत देते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते भी नंगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। ऐसे यहां भी बहुत बच्चियां पुकारती है। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। बल पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकते। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे बाबा कहे अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थी। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं। हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो, सभी देवी देवताओं के बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वह बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते दुनिया के मनुष्य, बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियां बहेगी, फिर दूध की नदियां बहेगी।
अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है, यहां तो दूध पानी के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। यहां तो बाबा कहे दूध पानी के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सतयुग में कोई चीज की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। एक दो को डसते रहते हैं। शकल भी मनुष्य की है परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहां से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? दुनिया में समझते हैं थोड़ा सा दान पुण्य किया तो ये सदाचारी हो गए। अभी तो सब रावण की मत पर है। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। राम राज्य चाहते हैं परंतु वो कौन स्थापन करते हैं ये नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते रहते हैं। मनुष्य के पास थोड़ा भी पैसा आ गया तो बाबा कहे उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। हमारा कार्य है एक बाप की श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहे अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब असुर बन गए हो। यह चक्र है पूज्य सो फिर पुजारी। सन्यासी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया? सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। मनुष्य आत्माओं को पूछो भाई सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर है, शिव जरूर यहां आया होगा, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। यह भी परंपरा से चला आता है, यही कहेंगे। गंगा का मेला, कुंभ का मेला, कहते हैं परंपरा से चलाता है। यह सब उल्टा बताते हैं। क्या सतयुग में ही दुनिया पतित थी? बाबा पूछते क्या सतयुग में ही दुनिया पतित थी? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया फिर कब आएगा कोई को पता ही नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो फिर भी फोटो में कोई निकलता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे, आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे।
कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। बस ये मुख्य बात बाबा कह सिद्ध करके बताओ। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए, ये सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजा पिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण वह है कुख वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो, देहधारियों को भूल जाना है। मेहनत है ना, अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो गयो बहु परिवार, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। राम और रावण दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले सफाई करने वाले भी बचते हैं। रावण के तरफ से कौन बचता है? मकान बनाने वाले सफाई करने वाले भी बचते हैं। समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा कहे तुम्हें राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहां जीत वहां जन्म। भारत में ही जीत होगी, जहां जीत वहां जन्म माना जहां विकारों पर जीत होगी वहां हमारा जन्म होगा। तो भारत में ही जीत होगी, बाकी वह सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहां का धन दौलत कोई तुमको वहां काम में आएगा। यहां की मिल्कायत तो वर्थ नॉट अ पेनी है, वहां सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरों की खानियां भरपूर हो जाएगी, नहीं तो महल कहां से बनेंगे। कितनी बुद्धि चाहिए समझने की, विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते, यहां तो डबल हिंसा है। सत्युग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, यह ज्ञान शाहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवास, शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूं तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? बाबा कितना निर्माणता से कहते हैं, विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूं तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? ये बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे, इसीलिए बाबा पुराने घर में ही रहे। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता असोचता। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है? शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता असोचता। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है यह भी तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सत्योगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसीलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट न। आज का स्लोगन है, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूं वो कौन सी पावर है, मैं करने वाली कौन है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए, हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है, कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है। इच्छा मन में उत्पन्न हुई लेकिन वो इच्छा जो उत्पन्न हुई तो लेने वाला भी है और कोई पूर्ण करने वाला भी है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह कौन है, यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूं जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, बल इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, आत्मा का
कोई स्थूल आकार नहीं है, नहीं तो आंखों से दिखाई पड़ता था। परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा, जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती है। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क कि हम जन्म मरण में आते हैं, लेप छेप माया का लगता है। परमात्मा इस चक्र में नहीं आते, न लेप छेप लगता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा की बड़े ही ध्यान से प्यार से, जिसमें बाबा ने बताया है कि कुछ भी करो, कुछ भी सहन करो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, क्योंकि बाप को स्वयं भगवान को पवित्रता की जरूरत है, पवित्रता की मदद चाहिए। स्वयं भगवान हमसे मदद मांग रहा है, और जब भगवान मदद मांग रहा है तो क्यों नहीं अपने को पवित्र बना के उसे मदद दी जाए। जो भगवान को मदद देते हैं उन्हें भगवान की मदद पूरे कल्प मिलती है। तो चलिए इसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कि हम सभी मनसा वाचा करना पवित्र बनकर ही दिखाएंगे, पवित्र बनेंगे ही, इसी वचनों के साथ चलते हैं, बढ़ते आगे और सीधे रखते हैं आज की मुरली से आपके लिए परीक्षा में पहला सवाल। प्रश्न है, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में डैश जरूर बनना है, बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी योगी, ऑप्शन डी सेवाधारी। आपका वक्त शुरू होता है। बताना है आपको सही जवाब, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं 10 पॉइंट्स। वक्त समाप्त हो चला है, सही जवाब है पवित्र। हमने रिवीजन करवा ही दिया था और बिल्कुल बोनस सवाल भी आ गया, और 10 पॉइंट्स में आप सभी जीत चुके हैं, इसलिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयां हैं, बधाइयां हैं और बधाइयां हैं। पहले सवाल का दिया है सही जवाब, तो 10 पॉइंट्स भी आपने तो अपने नाम कर लिया है और पवित्रता की शक्ति को भरपूर कर लिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए इसी उमंग उत्साह को बनाए रखते हुए रखते हैं आपके सामने दूसरा प्रश्न। डैश वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए फरिश्ते, ऑप्शन बी रूहानी गुलाब, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी ब्राह्मण। आपका वक्ष्य होता है। समय समाप्त, सही जवाब रूहानी गुलाब। तो आप सभी रूहे गुलाब तो हैं ही, तो ऐसे रूहे गुलाब को बहुत बहुत बधाइयां और फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो सवाल पूरे हो चले हैं, आपके पास भी जरूर 10 या 20 पॉइंट्स आ गए होंगे, और अगर 20 पॉइंट्स हैं तो बस दो प्रश्न और अगर आप देंगे सही जवाब तो फिर आप लेकर जाएंगे यहाँ से गोल्डन क्राउन, और अगर आने वाले 3 के 3 सवालों का दिया सही जवाब तो आप मास्टर मुरलीधर के हकदार बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न। अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है, कहा जाता है डैश। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए अंतमति सोगति, ऑप्शन बी तेरे भाने सर्फ का भला, ऑप्शन सी राम गयो रावण गयो, ऑप्शन डी
राम नाम सत्य है और आपका वक्त शुरू होता है। समय का इशारा मिल चुका है, वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी, राम गए हो रावण गए हो। तो फिर एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, दिल के दुआएं कि आपने बिल्कुल अंतिम समय को अपने सफल कर लिया है, सफल कर रहे हैं और बिल्कुल बाप की याद में जाने के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, क्योंकि हमें निश्चय है कि हम ही सृष्टि के मालिक बनेंगे, यह समझने के लिए हमारी बुद्धि बहुत ही विशाल बन चुकी है। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो। तो चले तीन सवालों को पूरा करने के बाद, तीन पड़ाव को पूरा करने के बाद चलते हैं चौथे पर, रखते हैं चौथा प्रश्न। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है कि आज के मुरली का गीत कौन सा है। चार ऑप्शन, ऑप्शन है बचपन के दिन भुला ना देना, आज जैसे कल रुला ना देना, ऑप्शन बी हमारे तीर्थ न्यारे, ऑप्शन सी ओम नमः शिवाय, ऑप्शन डी नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और आपका वक्त शुरू होता है। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब, तब आप लेकर जा पाएंगे आज से ताज। तो बताइए बताइए, वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब नैनहीन को राह दिखाओ। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, चार पड़ाव कर लिए हैं आपने बिल्कुल पूरे और बहुत ही प्यार से देते हुए सही जवाब। आपने चार सवालों का दिया है सही जवाब और जीत चुके हैं आप गोल्डन क्राउन। तो बधाई हो और मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक की और दुआएं आप सभी को। बहुत ही प्यार से परमात्मा महावाक्यों को जीवन में धारण करते हुए, मुरली को बार बार रिवाइज एंड रियलाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए हम अपने मार्ग को पवित्र बना रहे हैं और औरों को भी पवित्र बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए बधाइयों के साथ वक्त आ गया है आगे पढ़ने का, रखते हैं पांचवा प्रश्न। बाप से क्या लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी पवित्रता। और आपका वक्त अब शुरू होता है, 15 सेकेंड का वक्त है, आपको देना है सही जवाब, लेकर जाना है यहाँ से ताज। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब है, सही जवाब वैसे तो आप सभी ने बताई दिया है ऑप्शन ए बल और हमने भी बताई दिया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाई। तो 50 पॉइंट्स और 40 पॉइंट्स से आप संपन्न हो गए हैं, आपके पुरुषार्थ ने श्रेष्ठ प्रालब्ध आपको बनाए ही थी। तो मुबारक हो मुबारक हो। तो चलिए अनुभव करिए भगवान जो पवित्रता का सागर है, ब्रह्मा के तन द्वारा पवित्रता की शक्ति पवित्रता का बल हमारे अंदर भर रहा है। फील करिए परमात्मा की पवित्रता हम में समा रही है। पवित्रता के बल से हम भरपूर और शक्तिशाली बन चुके हैं। बहुत सुंदर अनुभव हमारे सिर पर, पवित्रता का बोलिए या जिम्मेवारी का बोलिए, ताज सज चुका है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बधाइयाँ तो ले ली है, तो दिल की दुआएं भी ले ली है, तो दिल से गीत गाते रहिए, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो बधाई बधाई और बधाई लेने के बाद अब लेते हैं हम विदाई, फिर कल आपसे मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। अच्छा, ओम शांति। आपको पता है, आपको बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि पावर ऑफ साकाश चैनल के 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने को जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में महारथियों की क्लासेस, योग कमेंट्री, कौन बनेगा पद्मा पद्मपति, बहुत सारा ज्ञान खजाना है। अगर जिसको भी इस ज्ञान खजाने का मालिक बनना है
तो उसकी चाबी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना।